दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा में संक्रांति के अवसर पर कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खादी बोर्ड के चेयरमैन रंजीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उपस्थित संगत के लिए लंगर भी लगाया गया। समागम में मंदिर कमेटी के चेयरमैन मदनलाल खिंदर, चौधरी परसराम, सतपाल पाला, राजन अंगुराल, पंकज जुल्का, पूरन चंद पाठी, जिम्मी कालिया, चमनलाल लोच सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद थे। जिम्मी कालिया जी जिन्हां दी बहुत देर है इस गुरु घर दे विच, मैं दसना चाहूँगा कि जो कालिया साहब ने 11 लाख रुपए की ग्रांट इस गुरु घर दे विच अनाउंस की तो जिम्मी कालिया जी देन है। जिम्मी कालिया जी ने फोर्स किया कालिया साहब नूं, कालिया साहब यह बस्ती अपनी है, इन्हों दिल खोल के जी ग्रांट है गुरु घर दे विच दिओ। तो जिम्मी कालिया जी ने अज गुरु दरबार दे विच पहुंचे हैं, उन्होंने नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री राजन अंगुराल जी, वो भी अपने साथियों समेत गुरु घर के विच पहुंचे ने। इसी सभा जैन सभा रणजीत सिंह जी खोजेवाल मंडी बोर्ड के चेयरमैन ये बंदिया साहब उन्होंने ये सोचा कि जिस गुरु घर के विच जिम्मी कालिया जी दे नाल आए सी पहलो भी इस मंदिर नूं 11 लाख रुपया दवा के गए सी। उस तो बाद इत्थे गुरु महाराज जी लीला हो गई, दिनों दिन मंदिर तरक्कियां करदा गया। जदों भी कोई अच्छा इंसान जुड़े हमेशा ही उस जगह की तरक्की होती है। इन्हों का बेटे के नाम बहुत प्यार है, सके भरावों को भी ज्यादा। इस तरह ही देख रहे हो अज राधा स्वामी डेरा बस्ती दानिशमंदा तो भी सारी प्रबंधक कमेटी आई है। प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन साडे बहुत सत्कारयोग अंकल जी चौधरी परसराम जी, प्रधान साहब श्री मदन लाल जी, सतपाल जी, होर मेरिया बीबिया मातावान भैन भी सारण वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। मैं समझदा कि अज का दिन बहुत भागा वाला है कि अज जो इस मंदिर वालों मैं मान सत्कार से आशीर्वाद दिता गया है, जिमें कि चौधरी साहब ने बोलिया कि इतों जो आशीर्वाद लेके जाता है उच्च पदवियां प्राप्त करता है। मेरे बहुत ही वड्डे वीर सत्कारयोग श्री जिम्मी कालिया जी जिन्हां का इस मंदिर नूं बनाने च अहम योगदान रहा, उन्हां दे नाल मैनूं इत्थे आउण दा मौका मिला सी पहली बार। मेरे वीर हरकोमल रोमी जी जो इतों श्रोमणी अकाली दल की सेवा करते हैं,
ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਗਾਗਰਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਜ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਾਠੀ ਸ੍ਰੀ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਰਪਣ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਾਂਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿੰਮੀ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਨ ਗੁਰੂ ਜਨ